brought to you by Techno Camon 30 series. देश के लिए तो छोड़िए जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब तो एक्सपोर्ट बाहर की कंपनियों के लिए भी वो उनके ऑर्डर्स उनके बुक करने शुरू करते हैं, तो HCL का स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके बाद फिर उनके मुंह से एक और नाम सुन चुका है LIC, ऐसी वाली कंपनी। तो डिफेंस में इंश्योरेंस HCL जैसा जो स्टॉक है डिफेंस में, उसके बाद फिर BDL कतार लगी हुई है। और आप ये देखो, कह सकते हैं कि एक तरफा चाल बन चुकी, बहुत महंगे हो गए, लेकिन भैया अभी वो जो लहर है ना, जो इमोशंस है, वो ही ड्राइव कर जाते हैं स्टॉक को। बेबी बात तो मुनाफा उसी लिए हो गई, लेकिन पहले क्रीम को खा लें। तो अभी डिफेंस कंपनियों की बारी है, फिर रेलवे। सरकार का खुद का मोटिव ये है कि भैया 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाएंगे, उन्होंने लिखा हुआ अपने संकल्प पत्र में। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो जो रेल वैगन्स वाली जो कंपनी होती है, डब्बे बनाती हैं, उम्मीदें नहीं होती, डर ज्यादा रहता है कि इनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे में जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के आने का किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ भारतीय बाजारों में देख पा रहे हैं? देखिए, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो तो सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां, सरकारी जो कंपनियां है, PSU स्टॉक्स जिसे बोलते हैं, वो तो यहाँ पर चली है, समझिए। क्योंकि हमने देखा पिछले 2 सालों से ये जो FI ओन्ड कंपनियां है ना, जो विदेशी निवेशक ज्यादा खरीदते हैं, जैसे कि HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, जो बड़े वाली कंपनियां होती है निफ्टी की, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले अगर 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, सरकारी कंपनियों का बोलबाला है। और ये सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ, पहले ऐसा होता ही नहीं था कि सरकारी कंपनियों को पूछता नहीं था। ये डिविडेंड के लिए यूज होती थी वाली कंपनियां, भैया पड़े रहेंगे स्टॉक, कोई बात नहीं, उसके बाद तो बस पड़े हैं, डिविडेंड आ रहा है तो ठीक है, बैंक में पैसा रख दो, नहीं तो सरकारी कंपनियों को रख दो। अब तो रीरेटिंग हो चुकी है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिसाल के तौर पर कोल इंडिया, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, कतार लगी हुई है। तो इन कंपनियों के जो स्टॉक्स होंगे वो तो रडार पर रहेंगे। उसके बाद फिर उन्हीं सरकारी कंपनियों में, जैसे कि रोहित जी बोलते हैं डिफेंस में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से आप कई बार सुन चुके हो, उनके मुंह से कई बार सुन चुके हो, एक कंपनी का नाम, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बिल्कुल मामला गड़बड़ था इस कंपनी का, पूरा रिवाइवल हो चुका है। देश के लिए तो छोड़िए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब तो एक्सपोर्ट बाहर की कंपनियों के लिए भी वो उनके ऑर्डर्स उन्होंने बुक करने शुरू कर दिए। तो HCL का स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके बाद फिर उनके मुंह से एक और नाम सुन चुका है LIC, ऐसी वाली कंपनियां। तो डिफेंस में इंश्योरेंस HCL जैसा जो स्टॉक है डिफेंस में, उसके बाद फिर BDL कतार लगी हुई है। और आप ये देखो इस बार नतीजे किसके अच्छे आए, अगर आप पहले नंबर पे पूछोगे ना, तो ये डिफेंस कंपनियों के, कोची शिपयार्ड जैसी कंपनी है, मैसडॉक जैसी कंपनियां, ये सब सरकारी, हाँ, तो ये जो सरकारी कंपनी है ये अब फिर से रडार पर रह जाएंगे। कह सकते हैं कि एक तरफा चाल बन चुकी, बहुत महंगे हो गए, लेकिन भैया अभी वो जो लहर है ना, जो इमोशंस हैं, वो ही ड्राइव कर जाते हैं स्टॉक्स को। कई बार ऊपर मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन पहले क्रीम तो खा लें। तो अभी डिफेंस कंपनियों की बारी है, फिर रेलवे। सरकार का खुद का मोटिव ये है कि भैया 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाएंगे, उन्होंने लिखा हुआ अपने संकल्प पत्र में। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो जो रेल वैगन वाली जो कंपनी होती है, डब्बे बनाती है कंपनियां, उसमें टीटागढ़ वैगन आप देखो, खुद अगर देख सकते हैं, रेल वैगन बनने की बात थी, उसमें आई थी, बजट में आई थी। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज ये भी है कि क्या गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है इस ड्यूरेशन में, समझना ये भी होगा कि क्या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी इन कंपनियों का, क्या HCL में और डिसइन्वेस्टमेंट होगा, क्या IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि इस मोर्चे पे गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल से जो टारगेट देती है और वो जो टारगेट अचीव होता है उसमें एक गैप है, सरकार टारगेट अचीव डिसइन्वेस्टमेंट का नहीं कर पाई है, बड़े बड़े टारगेट दिए गवर्नमेंट ने। अब जब वैल्यूएशन बढ़ गई, जब शेयर चढ़ गए हैं, क्या सरकार इनमें शेयर बेचती है, क्या सरकार अपना स्टेक कम करती है, ये एक बड़ी बात होगी जो देखना होगा। देखिए अभी 2.1 लाख करोड़ रुपीस RBI ने दे दिए सरकार को, एज अ गिफ्ट मान लीजिए, एकदम से प्रॉफिट आ गया, अचानक से वरदान मिल गया, हाँ वरदान मिला, और RBI ने इलेक्शन से पहले सरकार को दे दिया 2.1 लाख। तो उससे ना डिसइन्वेस्टमेंट का उतना वो जो एक टारगेट होता है ना, अगर वो बीट ना भी कर पाए तब भी ठीक, ऐसे वाला मूड माहौल है। लेकिन सरकार को पता है कि भैया जब हर चीज़ महंगी है, सब खरीदने को तैयार है, और हमारे बल्ले बल्ले हो रही है, स्टॉक मार्केट हमारी बहुत तेज़, तो यही तो मौका है बेचने का। तो ऐसे मूड माहौल में बेच डालो थोड़ी सी कंपनियाँ ऊपर, तो फिर इस समय अगर वो ये स्टॉक मार्केट के खिलाफ सरकार कुछ नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। PSU कंपनियां हैं उनसे 1,26,000 करोड़ मिल रहे हैं, 2,11,000 करोड़ रुपए मिले हैं, RBI दे रहा है 1,26,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड। तो यही वही सवाल है कि क्या सरकार, अगर आपको 1,26,000 करोड़ रुपए जैसा डिविडेंड इतना बड़ा एक फिस्कल में मिल रहा है, तो आप क्यों अपना स्टेक सेल करेंगे? शेयर चढ़ रहे हैं, सरकार बूस्ट कर रही है कंपनियों को। तो बिल्कुल, अब एक एक सवाल लूंगा, ज्यादा नहीं, आप लोगों को फ्री भी करूंगा, आप लोगों के साथ हमने भी असाइनमेंट्स हैं।